हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2021 के फॉर्म फिलअप के बारे में। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब हम इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट में हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा या बी या बीटेक कंप्लीट होना चाहिए इन डिसिप्लिन से या इन ब्रांचेस से। यदि आपका डिप्लोमा या बी बीटेक कंप्लीट हुए 3 साल हो चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आप पहले से ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 या 1 ईयर से अधिक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपके जो डिप्लोमा या बी बी टेक मार्कशीट है अर्थ सेमेस्टर में, उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। एप्लीकेशन सबमिट की जो लास्ट डेट है वो 25/9/2021 है। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार है। इसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस होगा। आपके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो आपके डिग्री या डिप्लोमा मार्क बेस से तैयार की जाएगी। तो चलिए अब हम इसका फॉर्म फिलअप करते हैं। यदि आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्लिक करके रीड कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई के संबंधित इंस्ट्रक्शन देखना है तो आप इस पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर टू अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी नंबर इंटर करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको 6 स्टेप कम्प्लीट करने हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप में बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। थर्ड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। फोर्थ स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसके बाद स्टेप 5 में आपको फाइनल सबमिट करना होगा। स्टेप 6 में आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर जो आपको अपना फुल नेम एंटर करना है वो 10th सर्टिफिकेट अनुसार फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग या ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आपकी ब्रांच क्या थी। इसके बाद अब आपको सब ब्रांच सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, यदि आपके पास है तो एंटर करें वरना आप ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद यदि आप EX सर्विसमैन हैं तो आप एस करें, नहीं है तो आप नो करें। यदि आप EX सर्विसमैन हैं तो आपको एस करने के बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। यदि आप EX सर्विसमैन नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी इंटर करनी है। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको S चूज करना है। S चूज करने के बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके पास किस टाइप की डिसबिलिटीज है। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिसबिलिटी इंटर करनी है। यदि आपकी डिसबिलिटी 40% या 40% से अधिक है तो ही आप PWD का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद आपकी जो डिसबिलिटी है वो कौन सी कैटेगरी की है आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको फादर नेम इंटर करना है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद मदर नेम इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी इंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डोमेसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजन इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना है। आप जैसे यहाँ पर पिन कोड इंटर करेंगे आपकी अदर डिटेल्स फिल हो जाएगी। जो फिल नहीं है आप उसे फिल करें।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी इंटर करनी है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं। करेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। इसके बाद यदि आप अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो आप यहां इंटर करें, और अल्टरनेट ईमेल आईडी भी देना चाहते हैं तो आप यहां पर इंटर करें। इसके बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। यहां पर आपको 10th क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। यहां पर डिसिप्लिन या सब्जेक्ट इंटर करना है। इसके बाद यहां पर कोर्स ड्यूरेशन इंटर करना है ईयर में। इसके बाद यहां पर आपको मंथ और पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। इसके बाद यहां पर आपको अपना बोर्ड नेम इंटर करना है। इसके बाद यहां पर आपको अपना डिलीवरी मोड सेलेक्ट करना है कि आपका फुल टाइम कोर्स था या पार्ट टाइम था। इसके बाद यहां पर आपको मार्किंग स्कीम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहां पर आपको अपना परसेंटेज इंटर करना है। यदि आप डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेलेक्ट किए हैं पोस्ट में तो आपको यहां पर डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन देनी होगी। यदि आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेलेक्ट किए हैं पोस्ट में तो आपको यहां पर बी या बीटेक की इंफॉर्मेशन देनी होगी। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहां पर जो आपको फाइल अपलोड करनी है उसका जो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। इसका जो फाइल फॉर्मेट है JPG या JPEG में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना होगा। फोटो अपलोड सक्सेसफुली, आपकी जो फोटो है वो सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सेम चूज फाइल में क्लिक करना है। अब आपको साइन सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करना होगा। सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। आपकी जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुकी है। आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है वो दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद चेकबॉक्स को टिक करना है और इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब आपको इसे चेक कर लेना है। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक्स हो गई है तो आपको बैक टू एडिट पे क्लिक करके एडिट कर लेना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, पुनः सबमिट में क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रिंट पे क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। प्रिंट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इसके बाद सेव पे क्लिक करें। इसके बाद पुनः सेव पे क्लिक करें। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट हो चुका है। अब होम पे आपको क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखें रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। यदि आप फॉर्म फिल करते वक्त यदि आप पेज से बाहर या वेबसाइट से बाहर हो जाते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पुनः लॉगिन हो सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप रिमेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।